हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो HP पुलिस जेल वार्डर की भर्ती आने वाली है उसके बारे में। दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे HP पुलिस और अनदर टॉपिक के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश पुलिस जेल वार्डर जो 2021 में भर्ती आ रही है उसके बारे में। दोस्तों, ये पोस्ट जो आ रही है वो आ रही है जेल वार्डर की, ना कि HP पुलिस कॉन्स्टेबल की। दोस्तों, कॉन्स्टेबल वो अलग है और ये जेल वार्डर अलग है। जेल वार्डर का काम क्या होता है, हिमाचल में जितनी भी जेल होती है उसमें जितने भी सुरक्षा कर्मी होते हैं उन जेलों में जेल की सुरक्षा करना इनका मेन काम होता है, वो पोस्ट है जेल वार्डर की। दोस्तों, इसमें नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें पोस्ट कितनी पब्लिश हुई हैं। दोस्तों, इसमें मेल वार्डर के लिए पोस्ट है 370 और फीमेल वार्डर के लिए जो पोस्ट है वो है 24, जो टोटल होता है वो हो जाएगा 394 पोस्ट। 394 पोस्ट जो है वो जेल वार्डर की 2021 में पब्लिश हुई हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जे पोस्ट इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपका पे बैंड जो है वो कितना होगा। दोस्तों, आपकी जो पे बैंड है रेगुलर, जैसे आप HP पुलिस में हैं 5910 से लेकर 20,200 तक, और ग्रेड पे मिलेगा 1900 रुपये। सेम इसका भी उतना ही है, और इसका जो आपको इनिशियल स्टार्ट मिलेगा वो मिलेगा 7810 से लेकर। और इसमें जो आपको कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 2 साल का है, और आपका 2 साल बाद 10,300 का स्केल लगेगा। 10,300 से लेकर आपकी जो तनख्वाह है वो हो जाएगी 10,300 से लेकर 34,800 तक, और आपका ग्रेड पे हो जाएगा 3200 रुपये। आपका 2 साल बाद आपको यहाँ जेल वार्डर में आप भर्ती होते हो तो आपको ये 10,300 का स्केल 2 साल बाद मिलेगा। और यदि आप पुलिस में HP पुलिस में भर्ती होगे तो आपको ये 10,300 का जो स्केल होता है वो मिलेगा आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद 10,300 का स्केल। और इसमें फ़र्क यही है कि इसमें 2 साल बाद मिलता है और उसमें HP पुलिस में 8 साल बाद। और 8 साल बाद जो मिलेगा वो मिलेगा फुल अलाउंस के साथ, और हमारे जेल वार्डर पुलिस में इसमें कोई भी अलाउंस, एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता, आपको सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह ही मिलेगी, इसमें कोई भी अलग अलाउंस नहीं दिया जाता। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस पेपर के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए प्लस टू इसकी क्वालिफ़िकेशन है, और हिमाचली आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए। दोस्तों, इसमें एक्स सर्विस मैन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसका जो हमारा रिक्रूटमेंट कंडक्ट होगा वो होगा 3 जोन्स में, जिसमें धर्मशाला में आएंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ऊना, चंबा, और सेकंड जोन है मंडी, इसमें आएंगे मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, बिलासपुर। नेक्स्ट है हमारा शिमला, इसमें आएंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। 3 जोनों में हमारा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो सफलतापूर्वक कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस जो हमारे मेल वार्डर होंगे इसके लिए आपकी एज क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, हाइट और चेस्ट के बारे में। दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपको एज चाहिए 18 से 23, और क्वालिफ़िकेशन होगी +2, और एज होगी 5 फुट 6 इंच, और चेस्ट होगी आपकी मेल कैंडिडेट की 32 बाय 32 इंच। नेक्स्ट है SC अनरिजर्व, इसके लिए एज होगी 18 से 25, इसके 2 साल जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, और क्वालिफ़िकेशन सब की +2 है। हाइट होगी 5 फुट 4 इंच,
हाइट में भी रिलैक्सेशन है और चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है, वो होगी 29/30। नेक्स्ट है हमारे ओबीसी कैंडिडेट, इसके लिए एज है 18 से 25। नेक्स्ट हाइट के बारे में बात करते हैं, हाइट है 5'6". इनकी चेस्ट है 31/32, जनरल जितनी ही। नेक्स्ट है ओबीसी होमगार्ड्स, होमगार्ड्स के लिए रिलैक्सेशन थोड़ी ज़्यादा है 5 ईयर, और 20 से लेकर आपको 28 ईयर तक आप भर्ती देख सकते हैं, और एज है 5'6" और चेस्ट है 31/32। नेक्स्ट है एससी अनरिजर्व, इसके लिए है 18 से 25 और हाइट है 5'4" और चेस्ट है 29/30। नेक्स्ट है एसटी होमगार्ड्स, इनके लिए एज है 20 से 28 ईयर। नेक्स्ट एज अपनी हाइट है 5'4". नेक्स्ट चेस्ट है 29/30। नेक्स्ट है जनरल वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, इनके लिए एज है 18 से 23। नेक्स्ट हाइट है 5'6" और चेस्ट है 31/32। नेक्स्ट जनरल ओबीसी जो अंत्योदय और आईआरडीपी में आते हैं, उनके लिए एज है 18 से 23। नेक्स्ट हाइट है 5'6". नेक्स्ट चेस्ट है 31/32। नेक्स्ट एससी कैटेगरी अंत्योदय आईआरडीपी, इनके लिए एज है 18 से 25 और हाइट है 5'4". नेक्स्ट चेस्ट है 29/30। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल वार्डर की, इनके लिए एक कैटेगरी है जनरल कैटेगरी अनरिजर्व, 18 से 23 एज और हाइट है 5'2". नेक्स्ट एससी अनरिजर्व, 18 से 25 और हाइट है 5'। नेक्स्ट जनरल ओबीसी होमगार्ड्स, इनके लिए एज है 20 से 28 और हाइट है 5'2". नेक्स्ट है चौथा कैटेगरी है एससी एसटी होमगार्ड्स, इनके लिए एज है 20 से 28 और हाइट जो है वो है 5'। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ग्राउंड होगा, फिजिकल एफिशिएंस टेस्ट होगा आपका, वो होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर, और उसमें क्या क्या होगा दोस्तों। मेल कैंडिडेट के लिए है 1500 मीटर रेस आपको पूरी करनी होगी 6:30 में, इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। और आपको जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए है 800 मीटर की रेस, और इनको क्लियर करनी होगी 4:15 में, इनके लिए भी नो एडिशनल अटेम्प्ट्स इज अलाउडेड। नेक्स्ट हाई जंप दोस्तों, मेल कैंडिडेट के लिए है 1.25 मीटर, इसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे, और फीमेल के लिए है 1 मीटर, इसके लिए भी इन्हें 3 चांस दिए जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रॉड जंप दोस्तों, इसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए है 4 मीटर, और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 अटेम्प्ट्स, और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 3 मीटर्स, और इनके लिए भी इनको मिलेंगे 3 अटेम्प्ट्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका क्या होगा दोस्तों। जो जो कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे, उनका होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और जो बच्चे पुलिस की कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो जेल वार्डर का रिटन है वो दाएं हाथ का ही खेल है। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से ये क्लियर कर पाओगे। इसके लिए सब्जेक्ट है हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड साइंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड दोस्तों। प्लस टू लेवल का होगा एग्ज़ामिनेशन, और जो आपका मैथ आएगा वो आएगा 10वीं लेवल का दोस्तों। इसमें आपको जो है वो रिटन एग्ज़ामिनेशन में जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है मिनिमम 50% मार्क्स, और एससी एसटी वालों के लिए है 40% मार्क्स मिनिमम, तो ही वो क्लियर माने जाएंगे।
अनदर देन आपकी कट ऑफ तो आपको क्लियर करनी ही होगी। दोस्तों एग्ज़ामिनेशन में आएंगे आपको 85 क्वेश्चन, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे आपको 17, और हिंदी लैंग्वेज में आएंगे 17, और जीके में आएंगे 17, और मैथमेटिक्स में आएंगे 17, और हमारा साइंस और रीजनिंग में आएंगे, मिलकर आएंगे आपके 17। दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। दोस्तों इंग्लिश के सिलेबस में आएंगे आपके टॉपिक्स एंटोनियम, सिनोनियम, वोकैबुलरी जितनी भी है, इसमें आएंगे आपको एरर करेक्शन और सेंटेंस करेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, टेंसेस, वॉइस नरेशन, ग्रामर जितना भी है, आपकी फ्रेजल वर्ब, कॉम्प्रीहेंशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीचेस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज की। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ जितनी भी होती है, संधि विच्छेद करने को, आपको वो सबको टॉपिक को पढ़कर जाना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपको जो टॉपिक आएंगे 17 क्वेश्चन जो आएंगे, वो उनके लिए टॉपिक हैं एवरेज, डिस्काउंट, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट टाइम एंड रेशो, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नेक्स्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन, नेक्स्ट नंबर सिस्टम, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, नेक्स्ट फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, होल नंबर के बारे में, परसेंटेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस के बारे में। दोस्तों साइंस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा जो है बेसिक आपको इन तीनों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको आएंगे विजुअल मेमोरी, क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन, कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन, नंबर सीरीज, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट्स, ट्रैक्शन सेंस के ऊपर क्वेश्चन, एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी, और नेक्स्ट है क्यूब एंड वाइज, नेक्स्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग, नेक्स्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग, मिरर इमेजेस, अल्फाबेटिकल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अरेंजमेंट, नंबर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, एम्बेडेड फिगर्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों जीके में आपको पढ़ना है जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे सार्क हो गई, एशियंस हो गया, इनके बारे में पढ़ना है, इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ना है, और इनके जो मेन चेयरमैन होते हैं, जो मेन मेन अध्यक्ष होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, और मेन आपका एस्टेब्लिश्ड एयर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, और साइंस में डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस के बारे में, और नेक्स्ट है कैपिटल एंड कंट्रीज़ के बारे में, करंट अफेयर आपको नेशनल, इंटरनेशनल और एचपी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फुल फॉर्म्स, नेक्स्ट टॉपिक है बजट एंड फाइबर एंड प्लांट्स, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेज, नेक्स्ट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एचपी में आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों एचपी जीके में आपको जो भी आपके ग्रेड अप स्टडी वाले सर हिमाचल का जो भी करवा रहे हैं, और इसके अलावा हिमाचल के अलावा जो भी आपका वो पढ़ा रहे हैं, वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको वो इम्पोर्टेंट ही करवा रहे हैं, जो एग्ज़ाम परसेप्शन से इम्पोर्टेंट हो, आपको उनके चैनल पर जाकर उनका जो भी वो पढ़ा रहे हैं वो अच्छी तरह आप पढ़ें। और आपका यदि आप एचपी पुलिस का टेस्ट क्लियर करने के लिए काबिल हो, तो आपके लिए जेल बॉर्डर पुलिस का टेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है, आप अच्छी तरह इसको क्लियर कर पाओगे। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो रिटन टेस्ट कैंडिडेट जो भी इसको पास करेंगे, उनकी आगे होगी डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों जेल वार्डर में सिर्फ यही बेनिफिट है कि आपका जो है इंटरव्यू नहीं होगा। दोस्तों इसके लिए आपको वही 85 मार्क्स का जो होगा आपका रिटन टेस्ट, और 15 मार्क्स की होगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों हो गए 100 मार्क्स, और
जो आपका ग्राउंड होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर, आपको उसका कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता। और पुलिस में इंटरव्यू होता है और जेल वार्डन में डॉक्यूमेंटेशन होती है। हो सकता है अगली बार कोई प्रावधान ऐसा आ जाए कि हमारा HP पुलिस कॉन्स्टेबल का भी डॉक्यूमेंटेशन ही हो नेक्स्ट टाइम। दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के क्वेश्चन हैं, लोकसभा में जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, और राज्यसभा के मेंबर्स जितने भी होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है। इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप यही बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी ही चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।